गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रतिक्रिया। मैं हूं आपके साथ अश्विनी और आज मैं फिर से हाजिर हो चुकी हूं एक नया वीडियो लेके। इस बार मैं कुछ हटके वीडियो लेके आई हूं, समथिंग डिफरेंट, 5 अननोन फैक्ट्स अबाउट फिरोज खान, जो एक ड्रामा है खुदा और मोहब्बत, उसका सीजन 3 के जो एक्टर है उनका नाम है फिरोज खान। आप सबको तो पता ही होगा क्योंकि आप ही ने हमें खुदा और मोहब्बत सीरीज, मतलब जो भी है ये, उसके बारे में हमें सजेस्ट किया था। हमने इसके ओएसटी पे भी रिएक्ट कर रखा है, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। और आज हम इनके बारे में कुछ अननोन फैक्ट्स पता करेंगे। वैसे हम लोगों को ऐसे कुछ फेमस सेलिब्रिटीज, पब्लिक फिगर, उनके बारे में जानने में बहुत इंटरेस्ट आता है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, क्या करते हैं वो लोग, क्या उनकी हिस्ट्री, उनकी फैमिली बैकग्राउंड, हम बहुत कुछ। तो एक अननोन फैक्ट्स है उनके बारे में ये, कुछ देखते हैं अब क्या होगा ये। तो उससे पहले आपको करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एंड तक देखना है और लाइक जरूर करना है। तो मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। आपको पाकिस्तान सुपरस्टार एक्टर फिरोज खान के 5 अननोन फैक्ट्स के बारे में बताएंगे जो यकीनन आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों, अगर आप फिरोज खान के फैन हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, फिरोज खान पाकिस्तानी फेमस टेलीविजन एक्टर हैं जिनका ड्रामा सीरियल खानी पूरे एशिया में मशहूर हुआ था। फिरोज खान की एज 2021 में 31 ईयर्स बनती है। इनका बर्थ प्लेस क्वेटा था। दोस्तों, अगर आपको इनके अननोन फैक्ट्स के बारे में बताएं तो नंबर 5 पे जो इनका फैक्ट आता है वो ये आता है कि फिरोज खान छोटे भाई हैं हुमैरा मलिक और दुआ मलिक की। और दोस्तों, दुआ मलिक और हुमैरा मलिक दोनों पाकिस्तान की स्किल्ड और वेल नाउन एक्ट्रेस हैं, तो फिरोज खान इन दोनों बहनों के छोटे भाई हैं। पर 4 पे अगर आपको फिरोज खान के बारे में बताएं तो फिरोज खान ना सिर्फ एक अच्छे एक्टर हैं, उसके अलावा ये अपनी बॉडी का भी बहुत ध्यान रखते हैं। ये घंटों जिम में गुजारते हैं ताकि अपनी बॉडी को स्मार्ट और फिट रख सके। इनके 6 पैक एब, स्मार्ट बॉडी इनकी पर्सनैलिटी को बहुत ही आई कैचिंग बना देते हैं, और इसी वजह से फिरोज खान पाकिस्तान में बहुत ही डैशिंग और हैंडसम एक्टर भी समझे जाते हैं। दोस्तों, फेमस अदाकार फिरोज खान का जो नंबर 3 का फैक्ट आता है वो ये आता है कि जैसा कि आपने इनको मूवीज, सॉन्ग्स और ड्रामास में बहुत ही हैंडसम लुक के साथ देखा है, तो इनकी जो हॉबी है वो मोटर बाइक है। इनको मोटर बाइक चलाना बहुत ज्यादा पसंद है। इन्होंने अपने घर पे काफी सारी हैवी बाइक्स रखी हुई हैं, जो कि ये काफी सारा टाइम जो है उस पर गुजारते हैं और लॉन्ग ड्राइव पे भी जाते हैं। नंबर 2 पे जो फैक्ट आता है वो दोस्तों ये आता है कि एक रिसर्च के मुताबिक फिरोज खान बहुत ही काइंड और जीनियस मैन है। ये अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारना बहुत ज्यादा पसंद करती है और इनको सिंपल लाइफ गुजारना बहुत ज्यादा पसंद है। और नंबर 1 पे जो फैक्ट आता है वो ये आता है कि दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 2015 में एक्टिंग स्टार्ट करने वाले फिरोज खान ने 2020 में अपना कैरियर जो है वो वाइंड अप कर दिया था। इन्होंने इस बात की अनाउंसमेंट कर दी थी कि ये मजीद एक्टिंग नहीं करेंगी और शोबिज इन्होंने लेफ्ट कर दिया था। फिरोज खान यकीनन पाकिस्तान के बाहर ऐसे अदाकार हैं जिन्होंने सिर्फ 3 से 4 साल के अरसे में इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल कर ली है। फिरोज खान ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया समेत पूरी दुनिया में पहचाने और इनको पसंद किया जाता है। दोस्तों, ये थे 5 अननोन फैक्ट्स फिरोज खान के बारे में। अगर आपको फिरोज खान पसंद है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तो ये था कुछ अननोन फैक्ट्स, और बहुत अच्छा लगा जान के कि ये इतने सुपर स्टार होके इतनी नॉर्मल लाइफ है उनकी, वो इतनी नॉर्मल लाइफ जीना पसंद करते हैं। और मैंने सुना उन्होंने 2015 में अपनी करियर की शुरुआत की और अभी 2021 है बस, और वो मतलब ऑल सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इंडिया और ऑल ओवर वर्ल्ड में वो इतने फेमस हो चुके हैं। तो और उनकी एज भी कुछ ज़्यादा नहीं है, तो इस इतनी कम एज में इतनी पॉपुलैरिटी उन्होंने हासिल की है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी और बहुत अच्छी बात है। इसीलिए उनकी इतनी फैन फॉलोइंग है, स्पेशली गर्ल्स फैन। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा ये वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो देखना है अलग से तो आप हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के लिंक डाल देंगे, तो आप वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। और आपको ऐसे ही कुछ अननोन फैक्ट्स या फिर मतलब या तो कुछ इंडस्ट्री के बारे में या किसी एक्टर के बारे में भी हो तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, ऐसे हम उस पर ज़रूर रिएक्ट करेंगे। और आपको ये रिएक्शन कैसा लगा तो प्लीज़ हमें को
बताइए ताकि मैं अपने रिएक्शंस अगली बार से मतलब आप जो सजेस्ट करते हैं उस पर दे सकूँ या मेरे को क्या इम्प्रूव करना चाहिए आप ये भी ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए आपको अगले वीडियो के नोटिफिकेशन का पता चले। तो आज के लिए इतना ही, बाय।